for under registration. ठीक है, for under registration यानी कि पर्यावरण कानून. ठीक है, तो यूनिट आपका कौन सा था, यूनिट 10. यूनिट 10 था आपका, यूनिट 10 था आपका था एनवायरमेंटल, 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 एनवायरमेंटल डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन. अब स्पेलिंग चेक कर लेते हैं. डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन यानी कि पर्यावरण कानून, पर्यावरण कानून. ठीक है, पर्यावरण कानून. ठीक है, पर्यावरण कानून तुमने बताया था. ठीक है, तो कल हम कुछ स्टडी कर चुके भी थे. ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक जो आपका एक्ट था वाटर पॉल्यूशन एक्ट, उसको मुझे जल्दी पढ़ भी लिए थे. ठीक है, बेसिकली इस जो यूनिट में हमने स्टडी कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए हैं. ठीक है, कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो आपका पॉल्यूशन, जो आपका प्रदूषण फैल रहा है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उसको कैसे निगरानी करें, उसकी कैसे जाँच पड़ताल करें, फिर उसको हम रोक सकें, उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, क्या कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सके. एक मिनट जस्ट वेट करिएगा. ठीक है, लाइट आ गया, थोड़ा सा बीच में लाइट कट गया था, तो दिक्कत नहीं, मौसम खराब भी है. ठीक है, तो मैं भी हो सकता है लाइट कटेगा, तो देखा जाएगा जैसा होगा. ठीक है, तो कहने से बताइए कि ये कानून के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो पर्यावरण के कानून बनाया गया एक्चुअली में, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो दूसरा फैल रहा है या फिर लोग जो फैला रहे हैं उनका कैसे उनको लगाम लगाएं, कैसे उनको रोकें, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाए. ठीक है, पूरी तरह क्या हो, सुरक्षित हो जाए. हमको क्या करना है, इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ना. इन्वायरमेंट को क्या करना है, इन्वायरमेंट को आपको आपका जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है पूरा, उसको क्या करना है, सेफ बनाना है. ठीक है, सुरक्षित बनाना है. लेकिन कैसे बनाओगे, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा. इन द सेंस ऐसा नहीं है, जैसे हमने बताया था जो जल प्रदूषण आपको मैंने बताया था 1974 में, तो जनरली क्या बताया था, जल प्रदूषण में मैंने बताया था जनरली इसको पारित किया गया था 1974 ईस्वी में, जनरली इसको पारित किया गया था. तो हम देख रहे हैं जनरली कि इसमें क्या होता है, जैसे कि जितने गाइडलाइन होते हैं उनको अगर वही फॉलो नहीं करते हैं उन पर इस बात यह कि क्या करता है, उनका दंडनीय अपराध कहलाता है. तो कहने का सेंस मेरा है कि जब भी आप इसी सीरीज को कहीं आपको बैसा करा रहे किसी नदी में, नदी में या फिर तालाब में, तो बिना किसी ट्रीटमेंट किए बिना हम नहीं कर सकते. इसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ चर्चा ये थे और बताया था कि ये आपका सिर्फ सिर्फ जितने भी तरह से वाटर पॉल्यूशन जनरली होते हैं उनके बारे में हम लोग जनरली चर्चा ये थे कि कैसे हमको निगरानी करना है, उसके लिए कितने गठन किए गए, कितने उसके लिए चेयरमैन नियुक्त किए गए. ठीक है, बहुत सारे ऐसे कुछ कदम थे और बाकी कुछ और था कि इसमें क्या करता था, ये आपका जो कानून था 1974 वाला कि जो टेक्निकल डाटा था उसको कलेक्ट करता था या फिर ट्रेनिंग की व्यवस्था करता था, कुछ ऐसे ऐसे मतलब थे टर्म की जिसको आपको पॉइंट क्या करना है, दिमाग में रखना है. ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़ चुके थे, पहला था आपका जल प्रदूषण अधिनियम. पहला क्या था, जल प्रदूषण अधिनियम जो कि क्या है, 1974 में इसको क्या किया गया था, मान लीजिए बनाया गया. ठीक है, उस समय इसको पारित किया गया. तो जो एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया, कानून इसलिए बनाया गया जो हमारा प्रदूषण जो जल प्रदूषित हो रहा था. ठीक है, या फिर किसी भी माध्यम से हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मिला दे रहे थे प्रदूषित जल को, तो उस चीज़ को निगरानी करने के लिए, उस चीज़ को क्या करने के लिए, बिल्कुल प्रॉपर एक देख देख में ऐसा करें ताकि हमारा जो प्रदूषण
प्रदूषण है वो फैलने ना पाए, इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वह है आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून। ठीक है, कौन सा है? सेकंड है आपका, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के अंदर से उसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण कानून। ठीक है, नियंत्रण कानून। ठीक है गाइस, इसको कब किया गया? 1981 में। ठीक है, 1981 में इसको क्या किया गया? चेंजेस किया गया, तो एक्ट पास किया गया। ठीक है, तो जिसे वहां पे क्या था, वहां पे हम देख रहे थे जो जल प्रदूषण था, वहां से जनरली हम जल की जो पेयजल है उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाया जाए, वो जनरली उस एक्ट में पढ़े थे, जल प्रदूषण अधिनियम में, यानी 1974 वाले। अब बात यहाँ आती है कि सर यहाँ पे तो अब आ गया आपका क्या, वायु प्रदूषण आ गया। ठीक है, क्या आ गया? वायु प्रदूषण आ गया। जब वायु प्रदूषण आ गया, इसका मतलब इससे जाहिर हुआ है कि वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं ये परिसर से समझौता हो रहा है, यानी जो भी हार्मफुल गैसें निकल रही हैं उस पर बात विचार चल रहा है, तो उन चीज़ों को कैसे मतलब प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इसकी निगरानी किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसको पॉइंट वन इसमें हम पहला लिखेंगे, आप बस स्टार बना के लिखते जाइएगा, स्टार बना बना करते लिखते जाइएगा, जस्ट मिनट। ठीक है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, लाइट भी बीच में चल जा रहा है, सिस्टम का पति कर लिया। ठीक है, तो जो आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून है 1981 में, इसको सर इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट बताया सर, मैं उसको कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं कर रहा हूँ ऊपर यहाँ पे 1981। ठीक है, 1981। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला पॉइंट कह रहा है कानून, कौन सा कानून? वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून, जो कि 1981 में क्या हुआ, बना। तो अभी कानून कहता है क्या है, देखिए पहला पॉइंट है इसमें, इस कानून में बाहर बनाने के लिए मिनिमम दूरी का निर्धारण एवं चिमनी की ऊंचाई इफेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियां हैं जो हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं,
इवन सीमेंट उद्योग को भी देख लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। आपको पता होगा कि सीमेंट फैक्ट्रिया जहाँ पे बनती है, जहाँ शुरू जहाँ मैनुफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे जनरली जो आपका CO2 है ना उस अमाउंट में क्या होता है रिलीज होता है, ठीक है। बाकी और सारे जैसे आपके जो व्हीकल से निकलते हैं आपके हार्मफुल गैसेज जनरली, ठीक है, या फिर जो अधेरे ईंधन होते हैं जैसे आपके CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी जितने भी हार्मफुल गैसे हैं उन चीज़ों के बारे में जनरल लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि कहा है इस कानून में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले जितने भी उद्योग हैं, ठीक है, उद्योगों के बारे में सिर्फ उद्योग की बात नहीं, सिर्फ उद्योगों ने कहा है कई सारे इसमें उद्योग बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से जहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस क्षेत्र से कम उसकी कुछ दूरी हो, ऐसा ना हो कि हम ऐसे एरिया में उद्योगों को इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही लोग क्या मतलब वातावरण में रह रहे हो और उनको प्रदूषित करें। तो हम ये जनरली गाइडलाइन में फॉलो करेंगे, ये कानून बताता है कि भैया जो भी आपका उद्योग स्थापित करोगे वो कहीं ना कहीं जो आपका आवासीय क्षेत्र से उससे कुछ दूरी पे, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, चूँकि आप लाइव एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया आपका गिडा का है आपका, ठीक है, सेक्टर 5 के आगे, और जब आगे जाओगे सीमेंट के आगे जाओगे इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है बुक्का के साइड में, तो सदनों के पहले, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, तो वो उनको क्या किया गया है कि सिटी से मेन सिटी से उस आउटसाइड में उनको बनाया गया है, यानी कि दूरी डिसाइड करने के लिए जनरली या फिर चिमनी की जो हाइट उसको बढ़ाने के लिए जनरली क्या होता है जनरली एक्ट बनाया गया, ठीक है, जनरली उनको माने को गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए। अब इसी बात है कानून बनाया है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, चिमनी की हाइट को बढ़ा देते क्या होता है जो प्रदूषित जो हार्मफुल गैसेज निकलती हैं वो क्या होता है एनवायरमेंट को इफेक्ट कम होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। अब खराब पहला पॉइंट, अब आते हैं दूसरा पॉइंट, अब आते हैं दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों का औद्योगिक इकाइयों का मॉनिटरिंग करना मॉनिटरिंग करना प्रदूषण नियंत्रण की इकाइयों का प्रदूषण नियंत्रण लिख रहेगा साथ में, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण की कार्यकारी इकाइयों का इम्प्लीमेंटेशन किए जाने हेतु इम्प्लीमेंटेशन किए जाने हेतु डिजाइन करना, ठीक है, ये आपका सेकेंड पर पैरामीटर कह सकते हैं, आप सेकेंड पैरामीटर कह सकते हो कि जो इस कानून के द्वारा कहा गया इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण पैदा करने वाले जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनको कैसे मॉनिटरिंग किया जाए या फिर
इनको हम कैसे इंप्लीमेंट करें जिससे हमारा क्या हो वाई पोल्यूशन बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो जाए या फिर बहुत ही मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कैनवासेस, यही है, इसको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर लिखवाएंगे। ठीक है, इधर ज़्यादा जाएंगे तो उधर दिखाई देगा, उधर जाएंगे तो दिखाई देगा, इस वजह से आपको इतना ही आपको एरिया में हमको सारा कुछ देखना है। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है, रफ करें, रफ करें, रफ कर सकते हैं, क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्लियर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया है, साफ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो दिखाई देने की फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका तीसरा पॉइंट है, आपका जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है, कौन कहता है या एयर प्रदूषण नियंत्रण कानून, तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत पब्लिक को वायु प्रदूषण, पब्लिक, पब्लिक को वायु प्रदूषण, पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम की रोकथाम, ठीक है, की रोकथाम हेतु हेतु टीवी अखबार, टीवी टीवी अखबार, टेलीविजन अखबार, अखबार आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से क्या करें, हम जागरूक करें, आदि के माध्यम से, माध्यम से चेतना जागृत करना है, जितना जागृत करना है। ठीक है गाइस, फिर आपका सेकेंड टर्म हो जाता है, इसके अंतर्गत हमें कह सकते हैं कि पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनरली हम क्या कर सकते हैं, जनरली टीवी अखबार आदि के जो जितने भी मीडियम होते हैं आपके कम्युनिकेशन के, ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लोगों तक ये पहुँचा सकते हो कि आपके जो एयर पॉल्यूशन है वो कितना आपके लिए नुकसानदायक है और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदायक है। इस चीज़ को क्या करना है, उनको जागृत कराना, उनको क्या करना है, उसके प्रति सचेत करना है। ठीक है, इस बात की बस यही मीनिंग, ठीक है, बात की सिर्फ यही मीनिंग करते रहो। ठीक है, करते हैं अब आती है बात, अब आती है बात, अब आती है बात कि जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसके अलावा, सबसे लास्ट पॉइंट है, इसके अलावा इसी के अंतर्गत अभी आ रहा है। ठीक है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून है इसी के अंतर्गत हम पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित, नियंत्रण से संबंधित, संबंधित प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों का पूरा करने वाले मानकों को, मानकों को, मानकों को, मानकों को पूरा करने वाली, पूरा करने वाली, मानकों को पूरा करने वाली, करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर, औद्योगिक इकाइयों पर, इकाइयों पर, इकाइयों पर क्या करना है, इकाइयों पर निगरानी करना, क्या करना है, देखरेख करना है, निगरानी
निगरानी निगरानी रखते हुए निगरानी रखते हुए दंड का प्रावधान रखते हुए दंड का प्रावधान 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 सुनिश्चित करना भी है, ठीक है, सुनिश्चित करना भी है। इस बात को आप लोग समझिएगा कि जैसे एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, कि जो हमारा मेन सोर्स होता है अगर देखा जाए प्रदूषण का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके औद्योगिक इंडस्ट्रियां जो हैं, जनरली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियां हैं, सीमेंट इंडस्ट्रियां हैं आपके, या फिर कह सकते हैं कि टेक्सटाइल भी हो गया आपका, वहाँ से भी जनरली मशीनें वगैरह वहाँ भी तो चलती हैं, ठीक है। तो कहने के साथ मतलब बहुत जितने भी टाइप्स के ऐसे इंडस्ट्रियाँ हैं जिनसे जनरली क्या होता है, क्रिएट होता है आपका वायु प्रदूषण, तो उन औद्योगिक इकाइयों पर यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं उनकी इकाइयों पर क्या करना है, उनको निगरानी करना है, ठीक है, उनकी निगरानी करना है। और अगर ऐसा ना करें तो उन्होंने क्या करें, करने का प्रावधान किया, क्या करें, सुनिश्चित करें, ठीक है। अदरवाइज कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा, जब अगर उन पर कोई दंड ना दिया गया, ठीक है, उन पर कोई किसी प्रकार का लगाम नहीं लगाया गया, तो फिर कानून किसी काम का नहीं है। कानून का काम ही उस चीज़ को जो अवैध तरीके से हो रहा है उसको क्या करना है, बिल्कुल ही रोकना है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ चाहे हम वहाँ अपने इंडस्ट्रीज के निकला हुआ पानी को रोक करा दें, ठीक है, या फिर चिमनी की लाइट को कम रख दें, या फिर जो इंडस्ट्री है उसको हम सिटी के जो बीचों बीच हम वहाँ स्टेब्लिश कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उस पर हम क्या करेंगे, निगरानी करेंगे तथा दंड का प्रावधान भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तभी तो कहा जाएगा कि भैया आप नियंत्रण कर रहे हैं, कोई कानून ऐसा बना तभी तो नियंत्रण होता है, ठीक है। तो कहने का सिर्फ मेरा आपका यहाँ तक का टर्म है वो आपकी समझ सके, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि अगर एग्जाम में पूछता है, अगर एग्जाम में पूछता है कि आपको ये बताइए कि पर्यावरण पर्यावरण कानून, ठीक है, पर्यावरणीय कानून से आप क्या समझते हैं, तो उसके अंतर्गत आप एक टर्म लिख सकते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बेसिकली जितने भी तरह से पॉल्यूशन फैल रहे हैं सारे चीज़ों की निगरानी करना, ठीक है, आपका जो कानून का कानून को क्या करना, बेसिकली निगरानी ही करना है, उस पर क्या करना है, जाँच पड़ताल करना है, और उस पर दंड भी क्या करना है, सुनिश्चित करना है, जो ऐसा करते हैं वे पाए जाते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री है जो भैया बिल्कुल अपने इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी, वेस्ट वाटर जो भी है, ठीक है, पानी कहिए वेस्ट वाटर कहिए, जो भी आपका वेस्ट वाटर है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी नदी तालाब में नहीं छोड़ सकते, ठीक है, उसको किसी ना किसी ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हुए क्या करेंगे, फाइनली हम इसे मतलब पैसा कर देंगे, यानी कि ट्रीटमेंट करा देंगे, ठीक है। तो कहने का सिर्फ मेरा ये है कि जो हमने दो कानून अभी तक पढ़ा 1974 और 1981, बेसिकली दो चीज पे था, ये आपका वाटर पे था और ये आपका बेसिक था, सॉरी हाँ सही, और ये बेसिक था एयर पे, यानी कि एयर को कैसे कंट्रोल करें, यानी जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है कैसे कंट्रोल करें, और वाटर का और पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करें, ये दो पॉइंट आपको पता है। अगर एग्जाम में ये पूछता है तो आप सिर्फ इसे डिफाइन करिए, तो आप इसके पॉइंट जितने बन रहे होते हैं 5-6 पॉइंट जो भी हमने बताया उस चीज़ को आपको क्या करेगा, रिमूव कर दीजिएगा पॉइंट वाइज। अदरवाइज अगर पूछता है 1974 जो कल के डेट पर हमने पढ़ाया था उसको आपको क्या करेगा, वहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमको पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए अभी सी बात है बहुत सारे ऐसे लापरवाह लोग हैं, वास्तविकता ये है कि अगर कानून ना बने, कानून ना होते तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, आदमी एकदम फ्री हो जाता, कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र होता है उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि अभी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके का मतलब कदम उठा सकता है, ठीक है, कोई डर बना रहता है, ठीक है, जब कानून बना जाता है, ठीक है, तो भैया क्या होता है, डर बना होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा ना हो कि सजा भुगतना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हो या फिर किसी चीज़ को अगर इसके जिसमें जो बात किया जाए पर्यावरण के लिए, तो आप कहीं अगर जल को फ्लो करा रहे हो बिना ट्रीटमेंट के सीवेज को, तो कहीं ना कहीं आपको दंड के योग्य हैं। अदरवाइज अगर आप
सीमेंट के साथ उसके बाद सब फ्लो कराते हो पानी को, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होने वाली, बिना ट्रिप की हम पानी को कम कर रहे हैं, किसी नदी तालाब में बहा दे रहे हैं, या फिर जो भी चिमनियाँ वगैरह उसकी हाइड्रेशन कम रख रहे हैं, मतलब एटमोसफियर से मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिल जाए, यानी कि यह उसकी जो पर्यावरण को गैर बिल्कुल एकदम बुरी तरह प्रभावित करता है। ठीक है, यह आपका होता है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, 1981। ठीक है गाइस, अभी यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक का खत्म हो गया, यहाँ तक का खत्म हो गया। आगे जो हेडिंग है हम देखते हैं, आगे जो हेडिंग है देखो, लाइट लगा है, फिर मैं देखना चाहूंगा कि लाइट लगा फिर आया नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लाइट आ गया। ठीक है, देखो लाइट जा रहा है आ रहा है, एक्चुअली भी क्या कि थोड़ा मौसम भी खराब है और दिक्कत ये है कि कोई सामने बैठा भी नहीं है कि उसको देख सके, अब वो कट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ रहा था वहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें एक दो टाइप का बचा हुआ है जो बहुत ही कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ध्यान देना, दो पॉइंट बचा है जिसको हम लोग जल्दी कल बिल्कुल ही पूरी तरह इसको फिनिश कर देंगे, कल इसको पूरी तरह क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। पहला पॉइंट टॉपिक होगा, पहला टॉपिक क्या होगा आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। तो बेसिकली हमको ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, बेसिकली हमको ध्यान देने वाली बात ये है गाइस कि जो पर्यावरण होता है उसको कैसे प्रिवेंट करें, यानी कि इसके लिए एक संरक्षण बनाया गया, जो जनरली अधिनियम बनाया गया जो 1986 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था। और आपका जो सेकेंड टर्म हमको पढ़ना है वो होता है उसका नाम है NGT, NGT पिछले साल एग्जाम में आया हुआ था, सेमेस्टर के एग्जाम में NCT। ठीक है, तो फिर कड़क वाला देखते हैं, चलिए फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NGT यानी कि दो टर्म आपको हम लोग कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि कहीं कहीं भी पर्यावरण के हित के लिए ही बस बताया गया कि इसमें जो कुछ फंक्शन है वो क्या करना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना, संरक्षण करना है पर्यावरण को। और इसका भी कुछ ना कुछ ऐसा इसमें कुछ अध्याय दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के कुछ अध्ययन में कुछ अध्याय मिले हैं, नियम और चार अध्याय हैं, और चार अध्याय अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो गाइस ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल, क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था सेमेस्टर का पर्यावरण अध्ययन का, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि नेशनल ठीक है, नेशनल आप सही है, ठीक है, उसको हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय यहाँ छोटी क्या लगा एनएआर इसको दे लेना, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है एनवायरनमेंट से, आपको एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है स्वच्छ कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये नेशनल यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में का क्या कहा गया है, कितने इसके अध्याय हैं और कब इसको किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया है या फिर कह सकते हैं इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दो टॉपिक अगर आपको आपके पास प्रॉपर बुक है या कोई कहीं तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि टर्म क्या होता है। पढ़ने को पढ़ने वालों के लिए बहुत कुछ साधन है, ना पढ़ने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अगर आप इन दो टर्म को पढ़ कर अगर आते हैं, ठीक है, आप दो टर्म को पढ़ कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्लास एज अ डिप्लोमा
सिविल इंजीनियरिंग के लिए चल रहा है आपको पता है, और ये इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, और एज ए सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपको जानना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है आप कितना भी पढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या कि टीचर सही नहीं पढ़ाया, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पिछले दो साल तीन सालों में पूछा है, उसके बिहार में हम लोग जो सेशन यहाँ पे होते हैं कॉलेजों में वहाँ पे क्या करते थे रनिंग थ्रू उसको, फिर देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट बच सकता है इनके उसको भी मिला के क्वेश्चन। तो जब सेशन बच्चे देते हैं एक सेशन सेकेंड सेशन और पीपीटी तो उनको खुद व खुद प्रैक्टिस हो जाता है, कोशिश करना इतना अभ्यास करता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को अटेंड करने से वो बच्चे को रह पाते हैं, किसी तरह से वो क्वेश्चन क्या करते हैं अटेंड कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे स्टडी बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ को पढ़ के आइएगा थोड़ा सा एक बार इसको और एक बार इसको, कुछ पॉइंट इसके भी हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट इसके भी हैं और कुछ पॉइंट इसके भी हैं, इसके ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल के और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के जो जनरली उनको कुछ याद नहीं हुआ और इसको भी मैं बताऊँगा तो पढ़िएगा, इसको भी बताऊँगा कि किस एक्ट के तहत इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, किस एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया है, किस अधिनियम के तहत इसको भी एनजीटी को स्थापित किया गया है। एनजीटी देखो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर साल जनरली मैंने देखा हूँ एग्जाम में कुछ ही रहता है, अभी खैर मैं पिछले साल आया था, अभी अब आया नहीं है मुझे नहीं पता, तो फिर भी पेपर का एनालिसिस हम खुद से करते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसको जनरली हमेशा किसी सीनियर वगैरह से उसको मान के रख लो ताकि उसको क्या करो कहीं ना कहीं उसका आने वाले दिन उसका यूज कर सको, ठीक है। तो बेसिकली फिर एक बार देखते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, आपका दो टॉपिक लास्ट होगा, ठीक है, दो टॉपिक आपका लास्ट होगा, आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और दूसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दो टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे, इसका मतलब जो आपका इन्वायरमेंटल पर्यावरण कानून, ठीक है। Okay.